सब्र करो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे राइज ऑफ आर्ट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं सूरज उगने वाला है, तो इसका मतलब हमारा चैनल, समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है ड्राइंग के हर तकनीक के बारे में और हर बेसिक टूल के बारे में जिसकी आपको नीड है स्टार्टिंग के वक्त। अगर आपको एक पेंसिल ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, अगर सिर्फ एक पेंसिल से स्टार्ट करनी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, और जैसे जैसे आप टूल्स इंक्रीज करेंगे उससे आपकी ड्राइंग स्किल्स भी इंक्रीज होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, जिससे कि आपको ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं जो कि आर्ट में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेपर से मैं एक कार्टीज पेपर 140 GSM की यूज़ कर रहा हूँ A4 साइज़, क्योंकि अभी बिगिनर्स के लिए ये बहुत सही है और चीप भी है, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अपने आसपास के स्टोर से। और पेंसिल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आर्ट लाइन की पेंसिल्स। इससे पहले मैं अप्सरा पेंसिल ही यूज़ करता था, अब थोड़ा एडवांस कर रहा हूँ। तो जिसमें ये 6 पेंसिल्स का सेट है जिसमें कि आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे। इनके अलावा आपको ज़्यादा शेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि HB से लेके 2, 4, 6, 8 और 10B तक भी मिल जाएंगी आपको, जिसमें कि आप HB से बहुत लाइट शेड्स कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो डार्क शेड हो जाएगा। और ये 8B और 10B इनको आपको शार्पनर से नहीं छीलना, आपको कटर का यूज़ करना है। तो आप कटर का यूज़ करके इन दोनों को अच्छे से छील सकते हैं, जो कि मतलब शार्पनर यूज़ नहीं कर सकते आप में, वरना इनकी निब टूट जाएगी। और बाकी इन चारों में आप शार्पनर यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब ये 6 सेट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और शार्पनर रबर मस्ट है। और फिर ये मैकेनिकल पेंसिल है 0.77 mm की, जो कि मैंने कैमलिन के लिए है। ये भी सस्ती वाली है, ये भी मिल जाएगी आपको आसपास के स्टोर में, स्टेशनरी में। और इसके साथ ये निप वाली है मैकेनिकल पेंसिल है, इसलिए इससे मैं आउटलाइन ज़्यादातर ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो बहुत पतले वर्क होते हैं ना, वो इनसे मैं कर लेता हूँ। ये छोटे से पतले से पतले शेड्स और मोटे से मोटे शेड्स भी दे सकते हैं अगर आप इनका सही से यूज़ करें तो, लाइट से डार्क की तरफ। तो ये हो गए आपके शेड वाले पेंसिल टूल्स। और अगर आपको ब्लेंड करना है तो ब्लेंड के लिए मैं दो ही चीज़ यूज़ करता हूँ अभी। ये तो मैं ये एक तो ये यूज़ करता हूँ टिशू पेपर्स जो कि बहुत क्लीन अच्छे से हो जाते हैं आपको, मतलब पेंसिल्स का वर्क बिल्कुल स्मूथ मिल जाएगा इससे। और नहीं तो कॉटन बड्स पतले एरिया छोटे एरियाज में, ये मैं इन्हीं का यूज़ करता हूँ। तो ब्लेंडिंग के लिए मेरे पास मैंने अभी दो ही टूल्स रखे हैं जो कि काफ़ी है, इनके अलावा ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ठीक, तो जैसे कि आपके पास अगर बाकी टूल्स नहीं है तो आप सिंपल एक मैकेनिकल पेंसिल से, नहीं तो एक 2B की पेंसिल से या HB की पेंसिल से आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर पाएंगे जिसमें आपको किसी भी प्रकार की पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पेंसिल की ज़रूरत है। अगर आपके पास अगर उससे भी ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ब्लैक पेन, ज़्यादातर जेल यूज़ करते हैं तो सिंपल जेल ब्लैक पेन से आप कुछ इस प्रकार की ड्राइंग बना पाएंगे, जैसे कि ये सिंपल एक सिंगल ब्लैक पेन से बनाई हुई है। और ये इनमें भी ब्लैक पेन का वर्क है जिसमें मैंने सिर्फ डॉट से बनाया हुआ है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और अगर आप कलर का यूज़ करना चाहते तो आप कलर का यूज़ कर, हाँ तो ये वो वाले कलर्स हैं जिनसे मैंने ये ड्राइंग्स बनाई है, जो कि सिर्फ 25 रुपये की आती है। इसमें 12 कलर्स का शेड्स है, मगर मैंने उन सारे का यूज़ नहीं करा, बस कुछ 5 कलर्स का यूज़ करके ये बनाया। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और इस वीडियो में जितनी जानकारी देनी थी मुझे चीज़ों के बारे में मैं उतनी जानकारी दे चुका हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ मैं और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और शेयर ज़रूर कर दें यार, ताकि दूसरों का भी भला हो और दूसरे भी कुछ सीख सके इस ड्राइंग से। आपने इस वीडियो में देखा कि आपको क्या 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 टूल्स की आवश्यकता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मैं और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या क्या किस किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ताकि आपको आगे जो वीडियो डालूँ।
कंटिन्यूस टाइम पे वीडियो डालूंगा, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा हाँ, ये आपको लगे कि मैंने स्टाइल के लिए ध्यान रखा है, तो आप ये ध्यान रखना कि मैंने वॉइस के लिए भी ध्यान रखा है, ताकि माइक की ज़रूरत ना हो। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे से मैं वीडियो कंटिन्यूस डालूंगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।